पहले यहाँ पर टिकट काउंटर था आशिमा मॉल और ये हम जस्ट एंटर किए हैं। Fun Hub. तो यहाँ पर my favorite toy you. So what's up guys? This side Mr. Khan and welcome back with another vlog. आशिमा मॉल जा रहे हैं तो मैंने सोचा आशिमा मॉल जा ही रहे हैं तो वहाँ का मैं एक छोटा सा ब्लॉग रेडी कर दूँ जिसमें आपको आशिमा मॉल के बारे में भी एक नॉलेज हो जाएगी। तो ये छोटा सा मोटो ब्लॉग भी रहेगा और साथ में वहाँ का की ब्लॉगिंग भी रहेगी। चलते हैं आशिमा मॉल में मिलते हैं। सो हेलमेट ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी छोटी हायाबुसा जिससे हम जा रहे हैं जिससे मोटो ब्लॉग रहेगा। तो गाड़ी ने भी बोल दिया गो। ये अपना फ्लैट जिसके नीचे लगा है टू लेट। अभी टाइम हो रहा है 8:15। ये है सागर पब्लिक स्कूल। सारी बसेस खड़ी सागर पब्लिक स्कूल की। अभी हम आ गए हैं होशंगाबाद रोड के चौराहे पे। जहाँ से आप राइट साइड चले जाओ तो हबीबगंज स्टेशन मिल जाएगा और अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ तो एम्स हॉस्पिटल का एरिया ही है जहाँ से एम्स हॉस्पिटल, और लेफ्ट साइड जहाँ मुड़ रहे हैं अभी तो ये होशंगाबाद रोड। आशिमा मॉल ज़्यादा दूर नहीं है, ये होशंगाबाद रोड पे मिल जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे हबीबगंज स्टेशन से, ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। चलते हैं पार्किंग में, पहले बाइक खड़ी कर देते हैं फिर चलते हैं आपको पूरा मॉल आज घुमाएंगे, मज़ा आएगा। अच्छा यहाँ पर आधार सेवा केंद्र का मेन ब्रांच भी है, सबवे बर्गर किंग सारी चीज़ें ऐड हैं यार। लाइन भी लगे हैं। तो अभी हम जस्ट पार्किंग में ही जा रहे हैं। हमने बाइक स्टैंड में लगा दी है, यहाँ पर दूर दूर तक सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। ये अपनी बाइक जिस पर लिखा है द अननोन रोड। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब हम जा रहे हैं अंदर। तो ये पहले यहाँ पर टिकट काउंटर था आशिमा मॉल का, बट अब वो थिएटर के पास ही रख दिया ना। ये गाइस मेन एंट्री गेट। तो गाइस हम जा रहे हैं अंदर। पता है क्या हुआ, मैं वहाँ से आ रहा था, एक हाथ में हेलमेट लिया हुआ था, एक हाथ में मेरे फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन हेलमेट में डाला। जो मैडम खड़ी थी बोलती है अब क्या करना है, चले जाओ तुम ऐसे ही मत हाथ धो। मुझे ठीक है। और ये हम जस्ट एंटर किए हैं। ये सिंगल एक्सकलेटर है, सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे US पोलो वगैरह वगैरह वगैरह, बाय वन गेट वन फ्री। मेरे को तो लग रहा था कि यहाँ के एक्सकलेटर काम करते हैं। अभी हम थर्ड फ्लोर पे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सिनेपोलिस और आज देखते हैं। तो ये सिनेपोलिस का एंट्री गेट और ये काउंटर यहाँ के टिकट की ओर कलेक्ट टिकट फ्रॉम हियर। बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है ये। तो जिसके लिए अभी हम आए थे तो ये है KGF 2 Chapter Part 2। कल देखते हैं कैसा रहेगा, पहले टिकट तो बुकिंग हो जाए यहाँ की कैफेटेरिया यहाँ का। अब गाइस ये आदमी अभी टिकट बुकिंग कर रहा है KGF 2 की, 7:30 का शो बता रहे हैं टेम्पल।
सारी स्क्रीनें दिखाएंगे गाइस आज। ये 6 नंबर की स्क्रीन है, वो 4 नंबर की है। यहाँ पर फूड कॉर्नर पर काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर खाने पीने का। 7 स्क्रीन है यार टोटल, बताओ। सही है यार। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर सिनेपोलिस से और अब आपको पूरा मॉल घुमाएंगे, मज़ा आ जाएगा। अभी फिलहाल हम सबसे ऊपर वाले एरिया में हैं, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। चलते हैं नीचे और जो स्पेशल एरियाज हैं, मतलब प्लेग्राउंड एरिया जो रहते हैं बच्चों के, वहाँ भी चलेंगे हम, वहाँ भी खेलेंगे। और ये जो नीचे गाड़ी दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, ये भी चलाएंगे, सब करेंगे आज। जस्ट हम जैसे नीचे उतरे 4th फ्लोर से, तो सामने हमें फन हब, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। अच्छा एरिया है, मज़ार और ठीक है। हैमर बढ़िया है यार, हैमर ट्राई करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए है, देख सकते हैं आप, डोरेमोन, पिकाचू वगैरह। तो ये मतलब अंडर 10 ईयर्स ओल्ड के लिए, बच्चों के लिए बेस्ट। सो गाइस, मेरी फेवरेट कार मुझे मिल गई है और ये यहाँ पर मेरी फेवरेट कार रखी है। इसके सामने सारी गाड़ियाँ बेकार हैं, ये सबसे अच्छी लग रही मुझे वाइट वाली। अभी मैं इसको चलाऊँगा, तो चलते हैं अपन नीचे। यहाँ का ऑलमोस्ट एरिया 4th-3rd फ्लोर का देख लिया। 4th फ्लोर पे सिनेपोलिस का थिएटर है जिसमें 7 स्क्रीन है, और 3rd फ्लोर पे फन जोन बना हुआ है बच्चों के लिए। और अपना जब 2nd फ्लोर पे अपन आते हैं तो यहाँ पर मोस्टली सारे शोरूम्स वगैरह, यहाँ लेडीज़ कलेक्शंस और मेंस गारमेंट्स वगैरह, और ये मतलब ड्रेसेस हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, और शोरूम ही है मुफ्ती, यूएस पोलो वगैरह के। माय फेवरेट टॉय यूनिकॉर्न। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पर आपको रिलायंस का, बाटा का, ड्रीमलैंड, ये सारे शोरूम्स मिल जाएंगे। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जो 3rd और लास्ट फ्लोर है नीचे का, उसमें आपको शोरूम्स ही मिलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो गाइस, अभी हम लोग बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको रिलायंस डिजिटल देखने को मिलता है। यहाँ पर डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फूड प्रोडक्शन, सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ है यहाँ। बस बाइक और कार नहीं मिलती, ट्रैक्टर वगैरह नहीं मिलेगा। वो भाई टक्कर हो गई, ये आप देख सकते हैं दूर से। वैसे हमें अंदर जाने की भी नीड है नहीं, इसलिए अंदर जा नहीं रहे हैं। चलते हैं फिर अपन बाहर। So let's go back to home. चलते हैं भाई, अब मज़ा आएगा। थैंक यू भैया हमें गाइडेंस करने के लिए। मेरा चैनल है इसीलिए मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट भाई। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं, अच्छे नेचर के, जो आपके आपके जैसे ही पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थिंक गुड, डू गुड। तो वहाँ चुके हैं बाहर।